जाओ भगवान जाकर के दर्शन दो, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करो। सभी देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने कहा, आप क्यों परेशान होते हो? अरे ये मेरा छोटा सा भक्त है, जरा इसके कर कमलों द्वारा जो स्तुति हो रही है, जरा आप लोग भी तो महसूस कर लो। और सच बात तो भक्तों यही है कि जो भगवान को मन से और प्रेम से और श्रद्धा से लगन से बुलाता है, तो मेरा गोविंद मेरा ठाकुर दौड़ा हुआ चला आता है। एक गांव में एक किसान था, महाराज दिन और रात मेहनत करता रहता था, अपनी खेती की तरफ ज्यादा ध्यान रखता था। एक संत जी का पदार्पण हो गया। संत जी ने कहा, अरे भैया किसान, आप सुबह से शाम तक खेती में लगे रहते हो, अरे थोड़ा बहुत समय निकालने के बाद में भगवान का भजन भी कर लिया किया करो। किसान ने कहा, ओहो भगवान के भजन में अपना टाइम बर्बाद कर दूं, अपनी फसल की तरफ नहीं देखूं, अपनी खेती की तरफ नहीं देखूं, भगवान क्या करेगा? बोले मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भगवान को दूं। ओहो संत जी समझ गए, बोले ये जो किसान है ना, लोभी है, कपटी है। उसी समय संत जी ने अपनी भाषा में कहा, भैया मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं कि आप काम भी करो और भगवान का भजन करो और आपका उद्धार हो जाएगा। बोले अच्छा, आपका काम भी बंद नहीं होगा और भगवान का भजन भी बंद नहीं होगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। किसान की समझ में आ गया। बोले बताओ क्या करना है? बोले आपको कुछ नहीं करना है, जिस समय आप खेती में काम करें, उठते बैठते जागते कुछ नहीं करना है, केवल एक मंत्र देता हूँ, ना माला करनी है, ना ही कुछ भी करना है, ना ही गिनती करनी है, केवल अपने श्री मुख से मंत्र का जाप करना है। बोले क्या कहना है? बोले आपको कहना है श्री मोचन श्री मोचन श्री मोचन। बोले बस ये तो बहुत छोटा सा मंत्र है। बोले किसान आप इसी मंत्र का जाप करो, इसी मंत्र से आपका उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है। किसान सीधा साधा था, सोचने लगा चलो मेरा क्या जाता है, मेरा काम भी चलेगा और मंत्र का जाप भी चलेगा। महाराज अब तो संत जी वहां से विदा हुए, अब किसान जाप करने में लगा, श्री मोचन श्री मोचन श्री मोचन श्री मोचन। महाराज जाप करता है सुबह शाम। हुआ ऐसा कि एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप खेत पर जा रहे हो और वहां जाकर के थोड़ी गाय के लिए चारा लेकर के आना। बोले ठीक है। अब हुआ ऐसा कि महाराज उन्होंने चारा काटा और मंत्र का जाप करते रहे, मंत्र का जाप करते रहे, और मंत्र का जाप करते समय किसी तरीके से उनकी जो खुरपी थी जिससे घास छीलते हैं, वो महाराज खो गई। अब जब खुरपी खो गई तो उन्हें टेंशन हो गई कि ये क्या हुआ, खुरपी कहाँ चली गई। महाराज खुरपी की वजह से उन्हें टेंशन हो गई, खुरपी को ढूंढने लगे इधर उधर, और जब खुरपी को ढूंढा तो महाराज मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब खुरपी मिल गई, अब महाराज मंत्र भूल गए, कहने लगे पता नहीं जाने क्या मंत्र बताया था। अब महाराज श्री मोचन तो भूल गए, उन्हें याद आ गया। बोले हाँ याद आ गया। बोले क्या? बोले कपूचन 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 कपूचन। महाराज श्री मोचन का तो जाप भूल गए, अब उन्होंने कपूचन कपूचन कहना शुभारंभ किया। इधर चीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया, भगवान विष्णु के चरण
दबा रही थी लक्ष्मी मैया, उसी समय लक्ष्मी मैया के कानों में आवाज पहुंची, मंत्र की धुन की आवाज पहुंची। उसी समय लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु मैंने आपके अनन्य भक्त देखे हैं, अनन्य नाम देखे हैं आपके, लेकिन पता नहीं ये किसान किसके मंत्र का जाप कर रहा है। बोले देवी ये हमारे ही मंत्र का जाप कर रहा है। बोले नहीं मैं नहीं मानती। बोले क्यों? बोले मैंने आपके अनन्य नाम सुने, लेकिन ये गफोचन नाम पहली बार सुना है। बोले ये भी नाम मेरा ही है। बोले मैं नहीं मानती, मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। बोले देवी मान जाओ, जैसा भक्त है वैसा ही रहने दो, और वो जिस मंत्र से जाप कर रहा है ना, वो भी मंत्र मेरा ही है। बोले ये कौन सा मंत्र है? बोले ये मंत्र त्रिकालदर्शी है। बोले मैं नहीं मानती। बोले नहीं मानती तो परीक्षा ले लो, लेकिन जाना जरा संभल के, जैसे वो मंत्र त्रिकालदर्शी है ना, उसी प्रकार उसका प्रभाव मेरे भक्त के ऊपर पड़ गया, वो भी त्रिकालदर्शी है। बोले होगा तो देखा जाएगा, लेकिन परीक्षा जरूर लूंगी। आज महाराज लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का भेष धारण किया और उसी खेत पर जाकर के पहुंच गई जहां पर उसके मंत्र का जाप चल रहा था। अब किसान तो किसी की सुने नहीं, किसी की तरफ देखे नहीं, और मंत्र का जाप कर रहा है, गपोचन 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 गपोचन। लक्ष्मी मैया ने जाकर के कहा, ए किसान ये किसका जाप कर रहे हो? अब महाराज मंत्र का जाप चल रहा है और किसान ने टेढ़ी निगाह करके देखा, गपोचन 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 गपोचन, और फिर से वही घास खींचने लगे। अब इधर में देखा, लक्ष्मी मैया को थोड़ी देर हो गई, लेकिन किसान का मंत्र का जाप बंद नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया ने फिर कहा, ए किसान सुना नहीं तूने, ये किसके मंत्र का जाप कर रहा है? किसान को गुस्सा आ गई, गुस्सा में आकर के फिर से देखा और फिर से वही मंत्र का जाप, गपोचन 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 गपोचन। तीसरी बार में मानो लक्ष्मी जी को ज्यादा गुस्सा आ गई, और जब ज्यादा गुस्सा आ गई तो आगे बढ़ करके जिस हाथ से खुरपी चल रही थी ना, उसी हाथ को जाकर के पकड़ लिया। बोले ए सुना नहीं, ये किसके मंत्र का जाप कर रहा है? किसान को भी क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के कह दिया, तेरे खसम का जाप कर रहा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब लक्ष्मी मैया वहां से शर्माती ठिलाती भागी और आ गई भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, बोलो देवी क्या हुआ? बोले आप चुप रहो, आप तो अंतर्यामी होइयो, लेकिन आपके भक्त आपसे ज्यादा आगे हैं। बोले क्यों क्या हुआ? बोले उन्होंने तो पहली बार में मुझे पहचान लिया। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, सोनिका तक ऋषियों, आज इधर देव ऋषि नारद ने भी ध्रुव जी को द्वादश मंत्र का जाप बता दिया, ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया। आज इधर में भगवान विष्णु क्षीर सागर को छोड़ करके ध्रुव जी के सामने आ गए, और जिस समय ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, मेरे गोविंद ने जाकर के आवाज लगाई, ध्रुव ध्रुव। लेकिन महाराज ध्रुव ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों? कारण है कि ध्रुव की आंखें बंद हैं, और ध्रुव अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में प्रभु की झांकी का दीदार कर रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु को चिंता हो गई, बोले मैं सामने खड़ा हूँ और ध्रुव को आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोलता, कारण क्या है? मेरे जब गोविंद ने अपने अंतःकरण से जब देखा तो ध्रुव जी अंदर ही मन ही मन में सुंदर सी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने ध्रुव के चित्र को खींचा
और खींच करके स्वयं अपनी तरफ जैसे ही लेकर के आए, ध्रुव की आंखें खुल गईं। हाय पिता कहकर के जैसे ही आंखें खोली तो सामने साक्षात तो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। बोली विष्णु भगवान की जय। चक्र गदा पद्म शंख हाथों में देखा, चार चार भुजाधारी भगवान मेरे गोविंद श्री नारायण सामने खड़े हैं। मेरे गोविंद आज ध्रुव जी की तरफ देख रहे हैं और ध्रुव जी गोविंद की तरफ देख रहे हैं। मानो कि ध्रुव जी कहना तो बहुत कुछ चाहते लेकिन कह नहीं पा रहे। उसी समय मेरे गोविंद ने समझ लिया कि ध्रुव अभी छोटा है। उसी समय मेरे गोविंद ने अपने शंख को लिया और लेकर के ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कर दिया। एक बार सर के ऊपर घुमाने के बाद कपोलों से स्पर्श कर दिया। कपोल किससे कहते हैं? होठों से कपोल कहा जाता है। आज ध्रुव जी के होठों से उस शंख को स्पर्श किया तो चार वेद छह सात और 18 पुराण का ज्ञान हो गया। बोली गोविंद भगवान की जय। ध्रुव ने मेरे गोविंद की बड़े सुंदर से शब्दों में स्तुति की। आइए भाव के साथ में एक भजन, उसके बाद में आगे की कथा। हेलो हो देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में सीरा जाने की बैठे हैं। मेरे सीने में सीरा जाने की बैठे हैं। मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो राम रसिया हमें राम सुमन करो।